इरेशनल नंबर होती क्या है? इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आप इसके डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, एनी नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। कोई भी संख्या जो पी अपॉन क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती है, वो सारी की सारी संख्या इरेशनल नंबर होती हैं। तो अब इसके हम लोग देखेंगे, एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सबसे पहले गाइस तीन चार पॉइंट्स होंगे इसमें, तीन चार पॉइंट्स को हम लोग देख लेंगे। पॉइंट नंबर वन हमारा एक होता है पाई। याद रखें गणित में एक ये सिंबल है, एक सूचक है जिसको पाई कहा जाता है। तो पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई हमारा क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर होती है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7, तो ये रेशनल नंबर होता है। पाई हमारा रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन जो पाई की वैल्यू होती है, पाई का जो मान होता है जो 22/7 होता है, वो हमारा रेशनल नंबर होता है, जबकि पाई हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा पॉइंट, कोई भी ऐसा नंबर गाइस जिसका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है, जैसे √3, √5, √7, √11, √13, etc. ये सारी जो संख्याएं हैं गाइस, ये सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि इनका पूर्ण वर्ग होता ही नहीं है, हो भी नहीं पाएगा। लेकिन अगर करड़ी में तीन की जगह पे करड़ी में चार लिख दें तो ये दो हो जाएगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या, इसका वर्गमूल दो हो जाएगा। तो वो करड़ी में चार तो हमारा हो जाएगा आपका परिमेय संख्या, लेकिन जिसका भी पूर्ण वर्गमूल न निकल पाएगा, जैसे करड़ी में तीन, करड़ी में पाँच, करड़ी में सात, करड़ी में ग्यारह, तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएँ हैं वो सारी की सारी संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में आती हैं। एक दो पॉइंट्स और हैं इसमें, उन पॉइंट्स को भी हम लोग देख लिया जाए, ताकि अपरिमेय संख्या के बारे में हमारे डाउट्स और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो गाइस अब हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में देख लेते हैं इरेशनल नंबर क्या होती है। हम देखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि दशमलव प्रसार के रूप में हम लोग जब देखेंगे, तो जो गाइस डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह से होता है, हम सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक क्या होता है टर्मिनेटिंग, इसी को बोलते हैं रेकरिंग। और एक हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको और क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, दो प्रकार से बोलते हैं। तो इसमें दो प्रकार से होता है, इसमें नॉन टर्मिनेटिंग में डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार से होता है। एक होता है रिपीटिंग, कैसा होता है रिपीटिंग, और एक हमारा होता है नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग भी होता है और नॉन रिपीटिंग भी होता है। अब इसके एग्जांपल्स को देखते हैं गाइस। जो टर्मिनेटिंग होता है यानी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसका डेसिमल के बाद, दशमलव के बाद, कुछ स्थानों के बाद उसका प्रसार रुक जाएगा, जैसे 1.2345 यहाँ तक रुक गया, 5.2, 5.2,
13.121 14.06, तो ये टर्मिनेट हो गया यानी ख़त्म हो गया, यानी डेसिमल के बाद कुछ स्थानों के बाद डेसिमल के इसका एक्सपेंशन रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। तो ये हमारा गाइस होता है रेशनल नंबर। क्या होता है? रेशनल नंबर। और चूंकि हमको देखना इरेशनल नंबर, और एक होता है गाइस रिपीटिंग, यानी जैसे डेसिमल के बाद एक ही नंबर रिपीट करे उसको रिपीटिंग बोलते हैं। जैसे 1.333, अब 3 हमारा रिपीट कर रहा है, 12.121212 हमारा रिपीट कर रहा है, तो ये हमारा रिपीटिंग हो जाता है, ये भी हमारा क्या हो जाता है, रेशनल नंबर। ये दोनों को तो अपने को डिस्कस करना नहीं है, इरेशनल नंबर को हमको डिस्कस करना है। जो नॉन रिपीटिंग होता है ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए इसको देख लेते हैं। नॉन रिपीटिंग जो होता है और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन में जो हमने देखा है, इसमें जो हमारा होता है नॉन रिपीटिंग और हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी रिपीट भी नहीं करेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। रिपीट भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट भी नहीं करेगा और ख़त्म भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने यहाँ लिखा 12.123467098531001766 .. यहाँ आप देखेंगे कि डेसिमल के बाद कोई भी एक ऐसा सीक्वेंस नहीं मिलता है डिजिट्स का जो सेम डिजिट्स रिपीट करे। हालांकि टर्मिनेट नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है इसका एक्सपेंशन, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, और उसके अतिरिक्त इसका रिपीटिंग भी नहीं है, यानी डेसिमल के बाद कोई भी ऐसा डिजिट्स नहीं है जो रिपीट करे, यानी रिपीट नहीं करता है। और एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 13, जिसे हमारे पास 3.010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 01
जीरो वन है, यहाँ 0001 है, 401 है, फिर 001 है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी एक ऐसा सेम डिजिट्स जो है वो रिपीट नहीं कर रहा है। जब सेम डिजिट्स रिपीट नहीं कर रहा है और इसका एक्सपेंशन रुक भी नहीं रहा है, वो इनफाइनाइट तक जाएगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, यानी इसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती और ये ख़त्म भी नहीं होता है। तो जो इस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन होता है वही डेसिमल एक्सपेंशन हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है, इरेशनल नंबर होता है। अर्थात हम इन संख्याओं को p अपॉन q क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, इसके फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो गाइस आई होप कि ये इरेशनल नंबर का ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में